नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर सविता। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्ण ज्ञान, उसमें हमने सीखा था हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 11 स्वरों को और व्यंजनों को मिलाकर शब्द किस तरह से बनते हैं, ये हम लोग हमारे आज के वीडियो में देखेंगे। और उन शब्दों को कैसे पढ़ते है और उनके वाक्य कैसे बनाते है ये भी हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते है हमारा आज का पाठ। हमारे आज के पाठ का नाम है पढ़ने लिखने की तैयारी। इसमें हम पहले देखेंगे दो वर्णों के शब्द, देखिए और समझिए। में हम लोग देखेंगे शब्द किस तरह से बनते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर जो चिन्ह आप लोगों को दिख रहा है इसे हम लोग इंग्लिश में ऐड या प्लस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग उसे बोलेंगे जमा। तो चलिए हम लोग पहले पहला शब्द पढ़ते है। क्या है हमारा पहला शब्द? घ जमा र, हमारा शब्द हुआ घर। ह जमा ल, हमारा शब्द हुआ हल। ख जमा त, शब्द हुआ खर। र जमा थ, शब्द हुआ रथ। ज जमा ग, शब्द हुआ जल। हमने अभी शब्द कैसे बनते हैं वो देखा है, दो वर्णों को हम लोग जमा करके एक शब्द बनाते हैं। और अब हम देखेंगे कि तैयार हुआ हुआ शब्द हम लोग कैसे पढ़ते हैं। बोलकर पढ़िए, अब मैं पढ़ूंगी और आप लोग मेरे पीछे पढ़ने की कोशिश करिए। क त कट, च ल चल, त न तन, चट जल, मन रट, पल धन, नट नल, जन पट, बल घन। कर नर, खग पर, शर मग, चर हर, डग वर, डर पग, भर सर ठग। हमने शब्द कैसे तैयार होता ये देखा, फिर तैयार शब्द को किस तरह से पढ़ते हैं ये भी देखा। अब हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे शब्दों को जमा कर वाक्य किस तरह से बनता है और हम उसे किस तरह से पढ़ते हैं। अब मैं आगे पढ़ूंगी, आप लोग मेरे पीछे पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? चलिए, फल चख, ये दोनों शब्दों को हम एक साथ में पढ़ेंगे। फल चख, खत पढ़, खत पढ़। नल पर चल, नल पर चल। छत पर चढ़, छत पर चढ़। खत पढ़, खत पढ़। डर मत। छत पर चढ़ कर पढ़, छत पर चढ़ कर पढ़। घर पर चल, घर पर चल। जल भर, जल भर। इस रथ पर चढ़, इस रथ पर चढ़। ये हमने देखे दो वर्णों के शब्द और उनका वाक्य कैसे बनते और कैसे पढ़ते। अभी हम लोग देखेंगे तीन वर्णों के शब्द किस तरह से बनते हैं और हम उन्हें किस तरह से पढ़ते हैं। देखिए, तीन वर्णों के शब्द है क जमा ल जमा म, कलम। क जमा ल जमा श, कलश। म जमा ग जमा र, मगर। क जमा म जमा ल, कमल। ह जमा व जमा न, हवन। ये हो गए हमारे तीन वर्णों के शब्द, हम किस तरह से उन्हें जमा कर लिखते हैं हमने देखा। अब हम देखेंगे कि बनाए हुए शब्द हम किस तरह से पढ़ते हैं। नहर नहर, टहल शहर, पहल ठहर, महल नगर, नकल अगर, कमल मटर सफल। मटक गरम, भटक नरम, पटक शरम, पलक धरम, नमक
चरम चमक परम। हमने देखे तीन वर्णों के शब्द किस तरह से बनते हैं और बनाए हुए शब्द किस तरह से पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि शब्दों को जोड़कर वाक्य किस तरह से तैयार होता है और हम उसे किस तरह से पढ़ते हैं। कमल झगड़ मत, अभी हम ये तीनों शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे। कमल झगड़ मत, नरम मटर चख, नरम मटर चख। कलश कमर पर रख, कलश कमर पर रख। मटक मत, मटक मत। कलम रख, कलम रख। नहर पर टहल, नहर पर टहल। शहर चल, शहर चल। इस तरह से हमने तीन वर्णों के शब्द किस तरह से बनते हैं वो देखा, उन्हें किस तरह से पढ़ते हैं वो भी देखा, और छोटे छोटे शब्दों को जमा कर वाक्य किस तरह से होता है वो भी हमने देखा। आज के वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। आप लोग घर में इसकी पढ़ाई करो और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।